डेथ नोट एक वो एनिमे जिसने ना जाने कितने लोगों को एनिमे फैन बनाया। मोस्ट ऑफ द एनिमे फैन की सबसे पहली एनिमे जिसकी रेटिंग माल पे 8.62 है, मैं ये कहूँगा कि इट डिजर्व बेटर। क्यों दीजिए बेटे? क्योंकि इसमें लाइट गमी है जिसको ना जाने कहीं से डेथ नोट मिल जाता है। डेथ नोट की रेटिंग के पीछे सबसे बड़ा रीजन है एन चाला खिलौने खेलने वाले एक छोटे से बच्चा जिसने इतने बड़े प्रोटैगनिस्ट को मार दिया। डेथ नोट आई थी फॉल 2006 में और मैं आज कहना चाहूंगा इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट। अगर हम मार्क रेटिंग पे जाकर देखें तो डेथ नोट से ज्यादा रेटिंग कागुया सामा, गिनतामा, फ्रूट बास्केट, बोची द रॉक जैसी एनिमे को मिली पड़ी है। नो ऑफेंस बट यागामी लाइट का लेवल एस है। डेथ नोट की रेटिंग शायद ज्यादा होती अगर उन लोगों ने मेज में बोर ना करा होता। एल के मरने के बाद स्टोरी स्लो हो गई थी, थोड़ा फिले आने लगी। एन में इन लोगों ने इतने बड़े प्रोटैगनिस्ट यागामी को नियर से मरवा दिया, मतलब कुछ भी। अगर एल नहीं होता तो नियर का बाप भी कुछ नहीं उखाड़ पाता। लोग यह भूल जाते हैं कि नियर ने एल की इन्वेस्टिगेशन की हेल्प लेकर ही लाइट को पकड़ा था। बीच में एन और एम की बैक स्टोरी दिखाना था, उसी को ही लोग बोरिंग कहते हैं, फिलर कहते हैं, लेकिन उसी के बाद लाइट हार्टेड एनिमे को उससे ज्यादा रेटिंग दे देते हैं। मैं मानता हूँ कागुया सामा, बोची, गिनतामा बहुत अच्छे एनिमे, मेरे को भी पसंद है, बट अगर कोई मेरे से पूछेगा कि डेथ नोट से अच्छी है तो माई आंसर विल बी एब्सोल्यूट नो। क्यों ये बहुत लोगों को ऑफेंड कर दी है? कागुया सामा की कॉमेडी का लेवल, गिनतामा का कॉमेडी का लेवल, बोची की एनिमेशन, इसलिए वो डेथ नोट से बेहतर है। एनिमेशन भी बहुत तगड़ी है इन सब की। पहले तो तू डेथ नोट सही से बोल ले, है ठीक है, लेकिन सीरियस एनिमे जैसे कि शोनन एनिमे, जैसे एओटी, डेथ नोट, जिनकी एक सीरियस स्टोरी है, जिनमें रियलिस्टिक इमोशन है, जिनकी बैक स्टोरी बहुत डिटेल्ड है, इन सबको कॉमेडी एनिमे से ऊपर ही होना चाहिए। तेरे हिसाब से लाइट यागामी तंजीरो से, कागुया से, गिनतामा से, बोची से बैठे? बहुत। लाइट यागामी एक क्लासिक कैरेक्टर है एनिमे की हिस्ट्री में, शायद सबसे अच्छे प्रोटैगनिस्ट उसी को ही मैं दे सकता हूँ। वो इतना ब्रिलियंट दिखाया गया है कि शायद ही कोई और एनिमे का कैरेक्टर उसकी टक्कर ले पाएगा। एल का आईक्यू इतना तगड़ा, मैनिपुलेटिव वारफेयर था दोनों के बीच में। जहां तक की स्टोरी की बात है तो डेथ नोट की स्टोरी बहुत लॉजिकल और रियलिस्टिक है। लाइट को डेथ नोट मिलना और फिर उसका कीड़ा बनना, उसका माइंड गेम जो वो पुलिस के साथ खेलता है, अपने ही पापा के साथ, वो मीसा मीसा का यूज कितना खतरनाक तरीके से करता है, जहाँ तक कि वो क्यूमी और मिकामी का भी यूज कर लेता है। सबसे तगड़ा तो तब था जब उसने मीसा का शिनिगामी को यूज करके एल को मरवा देता है। वो मेरे हिसाब से एनिमे का टर्निंग पॉइंट था, एंड आई वाज लाइक व्हाट द एफ। और तू बोल रहा है कि डेथ नोट स्लो है, बीच में हुई या कहीं भी हुई स्लो हुई, तो ये बता कौन सा डीमन स्लेयर बहुत ज्यादा फास्ट थी? एओटी भी जगह जगह पर स्लो हुई है, खास करके सीजन 4 में। लेकिन इन सब के एनिमेशन तो देख, और कहे डेथ नोट के एनिमेशन है बिल्कुल डैश है। सबसे पहले डेथ नोट बहुत पुरानी एनिमे और उस टाइम के हिसाब से उसकी बहुत अच्छी एनिमेशन है। वो रही बात डार्क होने की, तो वो शो के हिसाब से था। तू एक बात बता, अगर डेथ नोट में लाइट और कलरफुल इन्वायरमेंट होता तो कैसा लगता? तो अब ये बता, तेरे हिसाब से कितनी रेटिंग होनी चाहिए डेथ नोट की? उससे पहले जरा तो रेटिंग की स्पेलिंग सुना। अबे हेजोगी है कि सही बार बार स्पेलिंग पूछते रहते हैं? स्पेलिंग ही चाहिए तो ये ले, आई यू आई, बस रहने दे पागल ड्रैगन। रेटिंग जे तो मेरे हिसाब से अगर मेरा बस चलता तो मैं डेथ नोट की कास्ट और स्टोरी को देखकर मैं उसे 9 तो मिनिमम देता ही। कोई भी एनिमे की इतनी अच्छी स्टोरी नहीं है जितनी डेथ नोट की है। डेथ नोट का मेंटल वारफेयर ले लो, लॉजिक ले लो, सब बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। डेथ नोट में ह्यूमन इमोशन है, पावर एब्यूज है। एक इंसान को अगर डेथ नोट मिल जाए तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो कीड़ा बन जाएगा। छोटी छोटी बातों पे वो अपने ही आसपास वाले लोगों को मार देगा। और असली दुनिया में तो एल जैसा स्पाई भी मिलना मुश्किल है, तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर मेरे पास डेथ नोट होता तो आज तुझे केड़ा जो है तुझे पहले पेड़ा बना के मैं मार देता। अगर मेरी पैर डेथ नोट होता तो मैं तेरे जैसे फेक एक्शन वालों को खत्म कर देता, चला मिल जाता, तेरी पूरी कंपनी हेल्प लेता। तेरी तोतली आवाज से तो अच्छी ही है मेरी एक्सेंट, साला तारे जमीन पर ड्रैगन।